है, गाली गलौज करता है, जान से मार देने का धमकी भी देता है। आप कौन है? आपका अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय है, हम भी संस्कृति बिहार मेरा चैनल है और मेरा नाम है कीर्तिमणि तिवारी और हम यहाँ काम करते हैं। कौन काम करते हैं? मीडिया वाला काम करते हैं। मीडिया वाला काम करते हैं। तो फिर आपको क्यों आपको क्यों धमकी देगा? सपोर्ट किए बस ऐसे। सपोर्ट तो सभी मीडिया वाले करते हैं, हम लोग भी करते हैं। तो पता नहीं हमें ऐसा क्या दिखा। हम लोग रेगुलर आके सपोर्ट करते हैं। आप लोग को जब टीआरपी चाहिए होता है तब करते हैं। इस मुद्दा को सबसे पहला उठाने वाला भी है। सुनिए ना, तो सुनिए, तो वो आपको पहले बिहार में आपको बता रहा हूँ। आपको पहले पता है यहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग पहले आके कौन किया था? आप उमेश बाबू यहाँ पर बैठे हो, आप उनसे पूछ सकते हैं। नहीं बता रहे हैं। तो फिर आप कैसे बोल रहे हैं? तो आप लोग को टीआरपी, आप फिर टीआरपी का बात कैसे? पहले ये सवाल आरती से पूछा जाए कि पहले यहाँ पर कौन सा मीडिया है? आप टीआरपी पहले ये बात पूछा जाए। न्यूज क्यों चलाया? हाँ बोलिए, आप बोलिए। टीआरपी का बात आपने कहाँ से लाया? तो फिर टीआरपी की बात आपने लाया? आरती सुनिए, आरती जो है, आरती इससे पहले भी टीआरपी का मुद्दा बनी थी और अभी भी ये टीआरपी का मुद्दा बन रही है। आरती अभी भी टीआरपी का मुद्दा बन रही है। सुनिए, टीआरपी के लिए सब सुनिए, जाती है टीआरपी के लिए। तो आप सब सुनिए, आपको कौन मुद्दा उठाया है? हम लोग न्याय कौन? रुके रुके सर, एक मिनट, मेरा सवाल, हमारा मुद्दा ये है। अच्छा, पर्सनल पर्सनल कैसे? सुनिए, सिर्फ ब्लॉग बनाई है, उनसे पूछिए। अच्छा, आप न्यूज ब्लॉग बनाई है, न्यूज अपडेट किया, पूछिए। अच्छा सुनिए, टीआरपी के लिए बाकी पत्रकार आते हैं। सवाल आप सुनिए, जवाब ये देगा ना, इसका क्या कवरेज किया? ग्राउंड रिपोर्टिंग कौन किया था? प्रेस कॉन्फ्रेंस हम रखे हैं ना? नहीं, सुनिए, सबसे पहला कवरेज यहाँ किया है एरिया न्यूज। हाँ चलिए, उसके बाद सुनिए, पहले क्या हुआ नहीं हुआ उसको छोड़िए। आरती न्यूज अभी है प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप लोग चुप रहिए, चुप रहिए। सुनिए ना, एरिया न्यूज से पहले हम ये आपकी, हाँ सब एरिया न्यूज पहले नहीं किया है, लेकिन हम एरिया अंतिम में किया है। गजब है, हमें भी दिया गया है पैसे। पहले हमको सपोर्ट किया है प्रशासन, और ये दो आदमी को अगर गिरफ्तार करने के लिए बोलते हैं तो बोलता है कि आप नेतागिरी करते हैं, ऐसा कहीं तो नहीं। मेरा ये विनती है उनसे, प्रशासन से, कि दो आदमी बच गया है उनको गिरफ्तार करें जल्द से जल्द, नहीं तो फिर कोई घटना कर देगा तो फिर इसका जिम्मेवारी वही पुलिस होगा, क्योंकि धमकी मोबाइल पे आता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का वो भी मकसद था, बिल्कुल मकसद मेन वही था। हाँ वो अब खुश है, और एक मकसद है कि से दो आदमी को गिरफ्तार नहीं कर रहा है, एक ही इसमें वो दो आदमी धमकी भी दे रहे हैं। वो दो आदमी जो है बार बार आकर के धमकी देते हैं। कहाँ कहाँ आते हैं? यहाँ भी आकर के धमकी देते हैं, और मेरा जो ससुराल है साला जो है वहाँ दयानंद यादव, उसका नाम बताइएगा, नाम बता सकते हैं? दयानंद को जो है निर्भय यादव और अरुण यादव, ये दोनों मिलके मेरे साला दयानंद यादव को धमकी दे रहा था कि केस हमारे ऊपर किए हैं तुमको भी ऊपर केस करेंगे, मर्डर कर देंगे। धीरे वो निर्भय यादव बोल रहे थे दयानंद को, तो फिर आप निर्भय यादव और दयानंद यादव जो है उनका पूरा पता बताइए ना, कहाँ के वे लोग हैं? दयानंद यादव मेरा साला है, वही जहाँ घटना हुआ उस घर के, ये घर की बात है। आप किस साला के पास जाकर ऐसा बात बोला करते हैं? जी बाद में जाकर के मिले थे। एक ठो होता है कि ऐसे बोल दिया, एक ठो होता है सामने से बोला। आरती मिला गई है, जाते समय गाड़ी पर फट गई है, मर गई है। वो बोला कि आरती मर गई, मेरा वाइफ खाना नहीं खाई, आप जाइए उसे घर। तब हम यहाँ आए, देखते हैं कि बात बिल्कुल झूठा। तब हम उमेश बाबू के घर से फोन किए, तो वाइफ मेरा खाना खाई, तो हम यहाँ थे उसी दिन। हम कह नहीं, बार बार जो लोग रहता है आप प्रेस कॉन्फ्रेंस रखिए, सब लोग एक बार आ जाए। ये फेक न्यूज किस चैनल पर चला था चाचा जी, इसके बारे में कुछ जानकारी है? नहीं जानकारी नहीं जी। अच्छा, ये सीखती है, नया है जी जी, मोबाइल के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता है। कोई सिखाता है तो वो सिखाता है, मान लो कोई अपना चैनल में दे लिया तो दोस्त इसका थोड़े है, इसका उसका है दोस्त।
पार्टी का सिखाने वाला का होगा। दिक्कत वो नहीं है, आपका कहना से ये सीख रही है हाँ। बट मेरा बात ये कहना है कि जैसे इन्होंने ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया बहुत अच्छी बात है हाँ। उससे कुछ इनकम भी आता है। अगर रियली इनका सारा एड्रेस अकाउंट वगैरह वेरीफाई इनका है तो ठीक है, अगर इसके सारे कोई दूसरा फायदा उठा रहे गलत है। पचास बार हो सकता है किसी का नहीं होगा, इसी का होगा। आर्थिक बना रही है तो अच्छी बात है, हम लोग खुश है, अपने जीवन हम लोग खुश है, कर सकते हैं। आप आइए ना सिखा दीजिए अपना। नहीं इससे पहले हम ठीक है, हम इससे पहले दो बार आए थे तो आरती जी घर पे ही थे, लेकिन किसी बहाना के कारण हम लोग यहाँ वापस गए। सब बात हो इंटरव्यू देना बंद कीजिए, नहीं तो सभी को आप इंटरव्यू दीजिए। खुशी वाली बात है, अगर इन्होंने अपना खुद का चैनल स्टार्ट किया है तो सबसे पहली बात है ये अपना हर चीज को सिक्योरिटी को टाइट करके रखे, जो भी होता है इनको अगर नॉलेज नहीं है कोई अच्छा से जानकारी लेकर सिक्योरिटी रखे और उसमें अपना अकाउंट वगैरह जो भी है उनका